हेलो एवरीवन, अलज़ायका फूड्स किचन की जान महफिल की शान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी के एक बार बना ली तो आप बार बार बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैंने 500 ग्राम करेले लिए हैं जिनको मैंने छील कर आधे घंटे के लिए नमक लगा कर रख दिया था। 2 टीस्पून सौंफ लिए, 2 टीस्पून साबुत धनिया और 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 300 ग्राम ये प्याज लिए। ये खट्टी मीठी चटनी है जो हम 1 टीस्पून ली है मैंने। ये 2 टीस्पून बेसन लिया है जिसको मैंने भून कर रख लिया है। ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अभी आंबी का सीज़न नहीं है इसलिए मैंने इमली के कटारे लिए हैं, ये मैं एक एक करेले में भरूंगी। इमली के कटारों से सारी इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। और ये मैंने फ्राई पैन लिया है जिसमें मैं बॉईल करूंगी और इसी में मैं भरकर एक एक करके इसमें रख दूंगी। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है और बनाना भी आसान है। एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। अब मैं इसमें 2 कप भरकर पानी डालूंगी। मैं इसे 10 से 12 मिनट तक पकाऊंगी और मुझे 80% तक पकाना है। देखिए मैंने गैस चूल्हे पर रख दिया है, पहले एक खोला लेकर फिर लो फ्लेम पर पकाऊंगी। अब मैंने दूसरी तरफ फ्राई पैन रखा है, इसमें मैं अपना सौंफ धनिया भूनूंगी। अच्छी सी खुशबू आने तक इसको अच्छे से भूनेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। अब मसालों में से भीनी खुशबू आने लगी है, इसका मतलब है ये भून चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। मसाले हमारे ठंडे हो जाएंगे तो हम मिक्सर जार में डालकर इनको पीस लेंगे। दोबारा फ्राई पैन हमने गैस चूल्हे पर रख दिया है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन करेले मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छे ज़्यादा बनते हैं। तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे और अपनी कटी हुई प्याज डालेंगे इसमें। प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना, बस हल्की गुलाबी हमें फ्राई करना है। जब तक प्याज हमारी फ्राई हो रही है इतने हम अपना मसाला पीस लेते हैं जो हमने ठंडा करने के लिए रखा था। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेंगे। करेले की सब्ज़ी इतनी यमी बनती है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस सब्ज़ी के बहुत से फ़ायदे हैं। ये सब्ज़ी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत मुफीद सब्ज़ी है। देखिए अब हमारी प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको डालकर अच्छे से भूनेंगे। लहसुन अदरक भूनने के बाद अब हम अपना मसाला भी इसमें ऐड करेंगे जो हमने पीस के रखा था। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया है। इन सब मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खटाई हमने उस वक्त नहीं डाली थी, 1.5 चम्मच खटाई डालेंगे और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह हमारा
दो टीस्पून बेसन है इसको भी मिक्स करेंगे। यह हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी है जो हमने एक टेबल स्पून ली है, इसको भी डाल लेंगे और इससे टेस्ट अच्छा उभर कर आता है। स्टफिंग हमारी खूब अच्छे से बढ़िया तैयार हो चुकी है। अब हम करेले चेक कर लेते हैं। करेले हमारे 80% कुक हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। करेले हमारे अभी बहुत गर्म हैं, 5 मिनट के लिए इनको ठंडा करेंगे। करेले में से जो इमली रखी थी उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। करेले हमारे इतने ठंडे हो गए हैं कि हम आराम से पकड़ सकते हैं। अब इसमें स्टफिंग भरेंगे। सारा करेले का टेस्ट इसके मसाले में ही होता है, इसलिए दोस्तों हमें मसाले में कंजूसी नहीं करना है, खूब अच्छे से भरना है। अब हम आपको इसका धागा लपेट कर दिखाते हैं ताकि हमारे करेले का मसाला नहीं निकले। देखिए इस तरह से हम धागा लपेटेंगे, पहले आगे से फिर ऐसे पीछे ले आके इसका धागा तोड़ देंगे। इसी तरह हम सारे करेले तैयार कर लेंगे। मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने मसाला खूब अच्छे से भरा है इसमें। और धागे को पकड़कर इस तरह हम लपेटेंगे और पीछे ले आके फोल्ड करके और उसे तोड़ देंगे। इसी तरह हम सारे करेले तैयार कर लेंगे। देखिए सारे करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब फ्राई करके दिखाते हैं। गैस चूल्हे पर हमने कढ़ाई रख दी है। तेल गरम करने के बाद एक एक करके इसमें सारे करेले लगा देंगे। और 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बाद में देखेंगे कि हमारे नीचे से सिक गए तो हम इनको पलट लेंगे। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है और बनाना भी आसान है। एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो मैं दावे से कहती हूँ कि करेले आपके फेवरेट डिश बन जाएंगे। ये बहुत शानदार बनकर तैयार होते हैं। 15 मिनट तक हमने इसको फ्राई करा है। देखिए कितने क्रंची और यमी लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे सिक गए हैं। अब हम गैस चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और हाँ, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दुआओं में याद रखिए। और पूरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।